हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, ये शेयर स्ट्रेंथ का छठवां लेक्चर है। बाकी के लेक्चर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोर फेलियर एनवेलप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है फॉर सेंड। सेंड के लिए जो मोर फेलियर एनवेलप है वो कुछ इस तरीके से बनता है। ये पहला मोर सर्किल हो गया है, ये दूसरा मोर सर्किल है, ये तीसरा मोर सर्किल है। ये कहलाती है प्रिंसिपल स्ट्रेस हो गई है, ये मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस हो गई है सिग्मा वन, और ये सिग्मा थ्री माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो यहाँ अलग अलग लोड लगाते हैं तो अलग अलग स्ट्रेस निकल के आती है। ये सिग्मा वन डैस हो गई है और ये सिग्मा थ्री डैस। तो इन सब मोर सर्किल के लिए हम लोग एक कॉमन टेंजेंट खींचते हैं जो मोर फेलियर एनवेलप कहलाता है। सेंड के लिए कोहेजन जीरो होता है। ये नॉर्मल स्ट्रेस एक्सेस हो गई है सिग्मा एन, और ये शेयर स्ट्रेस एक्सेस हो गई है। अगला बात करते हैं फॉर सैचुरेटेड क्ले अंडर अनड्रेन्ड कंडीशन। तो सैचुरेटेड क्ले के लिए कैसा मोर फेलियर एनवेलप बनेगा देखते हैं। इफ अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट यूयू टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन सैचुरेटेड क्ले, देन द बिहेवियर ऑफ क्ले इज कोहेसिव एंड नो फ्रिक्शन इज ऑब्जर्व्ड। अगर हम लोग सैचुरेटेड क्ले पे यूयू टेस्ट करते हैं, यानी यूयू टेस्ट में क्या होता है, दोनों ही स्टेज में हम लोग पानी को निकलने नहीं देते हैं। पहली स्टेज होती है सेल प्रेशर स्टेज, दूसरी स्टेज होती है डेविएटर स्टेज। तो दोनों ही स्टेज में हम लोग पानी को नहीं निकलने देते हैं, पोर वाटर प्रेशर डेवलप होता है, तो ये कहलाता है यूयू टेस्ट। अगर हम लोग सैचुरेटेड क्ले पे यूयू टेस्ट करते हैं तो जो क्ले का बिहेवियर है वो प्योर कोहेसिव होता है और फ्रिक्शन एंगल ऑब्जर्व नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए जो मोर फेलियर एनवेलप बनेगा वो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। यहाँ पे देखिए ये हो गया है अनड्रेन्ड कोहेजन या टोटल कोहेजन। यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, फाई नहीं है यहाँ पे। व्हेन टेस्ट रिजल्ट आर प्लॉटेड देन रेडियस ऑफ ऑल मोर सर्किल इज फाउंड टू बी इक्वल, एंड इफ मोर सर्किल आर प्लॉटेड इन इफेक्टिव स्ट्रेस देन यूनिक इफेक्टिव मोर सर्किल इज ऑब्टेन्ड। तब हम लोग अलग अलग लोड पे टेस्ट करते हैं तो सभी के लिए जो मोर सर्किल बनते हैं उनकी रेडियस सेम होती है, और अगर हम लोग यही मोर सर्किल इफेक्टिव स्ट्रेस के लिए बनाते हैं तो एक यूनिक मोर सर्किल हम लोगों को मिलता है। अगली बात करते हैं सैचुरेटेड के लिए अंडर ड्रेन्ड कंडीशन। इफ कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट सीडी टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन सैचुरेटेड के लिए, देन बिहेवियर ऑफ नॉर्मली कंसोलिडेटेड के लिए इज सिमिलर टू दैट ऑफ सैंड, एंड बिहेवियर ऑफ ओवर कंसोलिडेटेड क्ले इज सेम एज दैट ऑफ सिल्ट। अगर हम लोग सैचुरेटेड क्ले पे कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट करते हैं, यानी इस टेस्ट में सीडी टेस्ट में दोनों ही स्टेज में पानी को निकलने दिया जाता है, पहली स्टेज और सेकेंड स्टेज दोनों ही स्टेज में पानी को निकलने दिया जाता है। तो अगर सॉइल नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले है तो उसका बिहेवियर सिमिलर टू दैट ऑफ सैंड होगा। यानी अब इस किले के लिए जो हम लोग मोर फेलियर एनवेलप बनाएंगे वो सैंड जैसा ही बनेगा। इसमें जो सीडी है यानी ड्रेन्ड कोहेजन है वो जीरो के बराबर होगा। इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, ये नॉर्मली कंसोलिडेटेड किले के लिए है। अगर जो किले है वो ओवर कंसोलिडेटेड है तो इसके लिए जो मोर फेलियर एनवेलप बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। ये सी फाई सॉइल की तरह बिहेव करेगी, यानी सिल्ट की तरह। सिल्ट में कोहेजन भी है और इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी है। ये हो गया ड्रेन्ड कोहेजन सीडी, ये फाई हो गया इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ओवर कंसोलिडेटेड क्ले, देखिए नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले कौन होती हैं, जिनमें प्रेजेंट में जो लोड आ रहा है वो पास्ट में लगाए गए लोड से ज्यादा है, और ओवर कंसोलिडेटेड क्ले वो होती हैं जिनमें पास्ट में लगाया हुआ लोड ज्यादा है और जबकि प्रेजेंट में लोड कम है। तो इसके लिए जो सीडी की वैल्यू होती है ड्रेन्ड कोहेजन की वैल्यू वो 60 से लेके 100 के बीच होती है किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और 5D ड्रेन्ड फ्रिक्शन एंगल 10 से 15 डिग्री के बीच होता है। नेक्स्ट बात करते हैं पार्शली सैचुरेटेड क्ले। पार्शली सैचुरेटेड क्ले अंडर ड्रेन्ड एंड अनड्रेन्ड कंडीशन बिहेव सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्ट। अगर क्ले है जो पार्शली सैचुरेटेड है, कोई भी टेस्ट ड्रेन्ड या अनड्रेन्ड दोनों ही कंडीशन में इसका बिहेवियर सिल्ट की तरह होता है। तो ये हो गया सीपी पार्शली सैचुरेटेड क्ले के लिए, ये हो गया कोहेजन, और ये हो गया 5P। ये स्लाइट कर्व होता है। यहाँ पे जो सीपी की वैल्यू है 60 से 70 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर है,
फाइव पी की वैल्यू है 28 से 30 डिग्री है ड्रेंड कंडीशन के लिए, और सी पी की वैल्यू 80 से 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और फाइव पी की वैल्यू 0 से 5 डिग्री है अनड्रेंड कंडीशन के लिए। फाइव है इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये पार्शली सैचुरेटेड के लिए हो गया, और ये हो गया कोहेजन पार्शली सैचुरेटेड क्ले के लिए। आगे बात करते हैं स्ट्रेस पाथ क्या होता है। स्ट्रेस पाथ इज अ कर्व विच शोज चेंज इन स्ट्रेस एज द लोड एक्टिंग ऑन द सॉइल स्पेसिमेन चेंजेस। इट इज द कर्व ड्रॉन थ्रू द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस एक्टिंग ऑन अ स्पेसिमेन एज द लोड चेंजेस। तो यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस के पॉइंट को मिलाते जाते हैं, और ये जो कर्व बनता है ये कहलाता है स्ट्रेस पाथ। जैसे जैसे हम लोग लोड चेंज करते जाते हैं वैसे वैसे शेयर स्ट्रेस भी चेंज होती चली जाती है, और ये जो कर्व बनता है इसको हम लोग स्ट्रेस पाथ बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स इट इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस एक्सपीरियंस्ड बाय अ स्पेसिमेन एज द लोड चेंज टेक प्लेस। जैसे जैसे हम लोग लोड चेंज करते जाते हैं वैसे वैसे शेयर स्ट्रेस भी चेंज होती जाती है, और इन बिंदुओं को मिलाते जाते हैं मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस के पॉइंट को, और जो कर्व प्राप्त होता है इसको हम लोग स्ट्रेस पाथ बोलते हैं। स्ट्रेस पाथ कैन आल्सो बी रिप्रेजेंट एज पी क्यू प्लॉट, तो इसको हम लोग पी क्यू प्लॉट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए जो सिग्मा 3 है इसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट है, और यहाँ पे हम लोग सिग्मा 1 की वैल्यू यानी मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू चेंज करते जा रहे हैं। यहाँ पे ये जो मोर सर्कल बनेगा वो ऐसा बनेगा, दूसरा मोर सर्कल ऐसा बनेगा, तीसरा मोर सर्कल ये बना है, चौथा मोर सर्कल ऐसा बनेगा। तो इसके लिए जो सिग्मा 3 की वैल्यू है माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू ये सेम है हर एक कंडीशन के लिए, जबकि जो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है उसकी वैल्यू चेंज करते जा रहे हैं, उसके करस्पॉन्डिंग ये शेयर स्ट्रेस की वैल्यू भी चेंज होती जा रही है। और अब हम लोग इन पॉइंट्स को मिला देते हैं तो ये बन जाता है स्ट्रेस पाथ। फिगर शोज स्ट्रेस फॉर सिग्मा 3 कॉन्स्टेंट है यहाँ पे एंड सिग्मा 1 इंक्रीजिंग। सिग्मा 1 हम लोग इंक्रीज करते चले जा रहे हैं। स्लोप ऑफ स्ट्रेस पाथ, तो इसका जो स्लोप है वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे टेन थीटा लगाएंगे, तो टेन थीटा बराबर बी सी अपॉन ए सी, तो यहाँ पे टेन थीटा बराबर बी सी अपॉन ए सी। तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो टेन थीटा बराबर निकल के आता है 1 और थीटा बराबर 45 डिग्री। फॉर अ गिवन प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 एंड सिग्मा 3 द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन स्ट्रेस पाथ आर पी बराबर सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 बाई 2 एंड क्यू बराबर सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2। तो ये हो गया है पी क्यू प्लॉट और ये हो गया है स्ट्रेस पाथ। तो किसी भी पॉइंट का अगर हम लोगों को कोऑर्डिनेट देना है तो P बराबर हो जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 बाई 2 और Q बराबर हो जाएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2। तो दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये IAS ऑब्जेक्टिव में आए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं अगर हम लोग सॉइल को खोदते चले जाते हैं नीचे गहराई में खोदते चले जा रहे हैं तो यहाँ पे जो सिग्मा 1 की वैल्यू है वो डिक्रीज होती चली जाएगी और जो सिग्मा 3 है वो सेम रहेगी। सिग्मा 3 इस साइड से लग रहा है और सिग्मा 1 ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है, तो सिग्मा 1 की वैल्यू डिक्रीज होती चली जा रही है। इन एक्सकवेशन प्रोसेस सिग्मा 3 रिमेन्स सेम बट सिग्मा 1 कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग। तो इसके लिए जो स्ट्रेस पाथ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे देखिए जो सिग्मा 3 है वो तो कांस्टेंट है, जबकि पहले सिग्मा 1 यहाँ पे था, फिर यहाँ पे हो गया सिग्मा 1 डैश, फिर यहाँ पे सिग्मा 1 डबल डैश। तो इसके लिए जो स्ट्रेस पाथ बनेगा वो बाहर से अंदर की तरफ जाएगा, यानी ये जा रहा है डाउनवर्ड एंड लेफ्ट साइड में जा रहा है। तो ये इस तरीके से बनेगा डाउनवर्ड लेफ्ट साइड में। अगला बात करते हैं अगर ये डैम है इसमें जो वाटर टेबल है वो इंक्रीज होता चला जा रहा है तो इसके लिए जो स्ट्रेस पाथ है वो कैसा बनेगा। इफ़ वाटर टेबल ऑन डैम इंक्रीजिंग देन सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 3 वाटर एग्जर्ट सेम प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस। तो अगर वाटर टेबल इंक्रीज होता चला जा रहा है तो यहाँ पे सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 3 होगा, क्योंकि जो वाटर है वो सभी डायरेक्शन में सेम प्रेशर लगाता है। तो यहाँ पे सिग्मा 1 हो गया, ये सिग्मा 3 हो गया। जैसे ही पानी का लेवल बढ़ेगा वैसे ही सिग्मा 3 की वैल्यू भी बढ़ेगी और सिग्मा 1 की भी वैल्यू बढ़ेगी। तो इसके लिए जो स्ट्रेस पाथ है वो हॉरिजॉन्टल बनता है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मेरिट्स ऑफ ट्राइएक्सियल टेस्ट। यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ UCS क्या होती है, इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है CU बराबर UCS बाई 2। फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग वेन शेयर टेस्ट क्या होता है,
तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।